नहीं बिकना चाहती। अगर आपको बुरा ना लगे तो प्लीज मुझे बना दे दें। मैं इस मुल्क में किसी और को नहीं जानती। अथरू पूछ ले, और रोने की जरूरत नहीं है, पुत्र तेरा ही कार है सारा। आराम नाल बैठे रहे आराम से। हाजी साहब, वो लोग मेरी कीमत लगाएंगे, पैसों की बातें होंगी। कीमत लगाएंगे ना हाजी, उनको रहने ही नहीं देगा तो कीमत कैसे लगाएंगे? पूछ ले, मुझे बहुत डर लग रहा है हाजी साहब। कोई डरने की जरूरत नहीं है कमली नमन, ये डर जे हैगा ये बंदे को बीबा बना देता है, और बीबा बंदा ही तो रगड़े में आता है ना, हैं? आई से मुझे असला है। शाबाश, अथरू पूछ ले, और घबराना, तू हाजी के घर में इस छत के नीचे डर को आने की इजाजत नहीं है, समझी? कुछ चीज चाहिए हो तो बाज मार देना जवेद को, ठीक है बेटा? थैंक यू हाजी साहब। आओ चुप करो। थैंक यू हाजी साहब, थैंक यू हाजी साहब। वो दुनिया बाप, तेरे इंग्लिश क्यों? काफी हैरत हो रही है मेरे यहाँ आने पे। वो इसलिए कि तुम मुझसे नाराज थी। It's been days, Shireen. No phone calls, no messages. कोई नाराज रहे या मान जाए, तुम्हें दोनों तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रही हो शीरीन? वैसे भी तुम तो जानती हो मैंने हाजी साहब के सारे फेवर्स उन्हें वापस कर दिए। I'm busy with my new pursuits. तुम हर चीज को फेवर समझ के वापस कर देने के आदी हो, है ना? सिवाय तुम्हारी मोहब्बत के, and that was a favor. छोड़ो बिलाल, अब तो इस लफ्ज पे हंसी सी आती है। तो हंस लो ना, लेकिन रहेगा तो सच ही। Anyways, tea, coffee. मैं सोच रही थी तुमने ऑफिस के लिए हायरिंग तो कर ली होगी। ऑफिस हायरिंग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कुछ नहीं बेला, जो तुम समझना चाहते हो वो तुम समझ लेते हो, और जो नहीं समझना चाहते वो तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। देखो शीनी, आई रियली हैव नो आइडिया तुम क्या बात करना चाह रही हो। व्हाई डोंट यू टॉक ब्लैक एंड व्हाइट? बिकॉज यू ऑलवेज कीप अदर्स इन ग्रे एरिया। इस जगह पे छुपना जरा आसान होता है। कम ऑन शीनी, देखो हमारी शादी कितना करीब है। Don't you think we should talk about that? वो दिन तो पहले भी बहुत करीब आकर दूर हो चुके हैं। तुम्हें हर बार कुछ दिनों की जरूरत होती है। Listen, Shireen, अगर हाजी साहब ये unwanted favor ना करते तो शायद अब तक हमारी शादी हो चुकी होती। And then you know me, मैं अपने काम को लेकर कितना sensitive हूँ। I don't like favors. मुझे सेटल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। चलती हूँ। अरे लिसन, अभी तो आई हो, कुछ देर तो। I'll see you later. तुझे सबसे ज्यादा पड़ा था कि हम ये भाग जाते हैं, और अब रो भी सबसे ज्यादा खुद रही है। चुप हो जा। तो मुझे क्या पता था कितना बड़ा काम पड़ जाएगा? नहीं, उन्होंने तो हमें इनाम देना था। क्या
इन्होंने बड़ा चंगा काम किया है। अगर तू कहती है तो मैं तुझे वापस छोड़ आता हूं। हाँ छोड़ा, ताकि वो मुझे मार दे। तू मेरे अब्बे को नहीं जानता, वो गुस्से का बड़ा जहरी है, मुझे माफ नहीं करेगा। अब मेरा वापस जाना बड़ा मुश्किल है। अगर तू कहती है तो हैदर के मामे को बीच में डाल के मैं कोशिश कर लेता हूँ। ना, इन मासूम लोगों को बीच में ना डाल। चाचा दित्ता गया था मेरा रिश्ता मांगने के लिए, अब्बे ने उसको जलील करके घर से निकाल दिया। मैं चाचे की इज्जत की खातिर अपनी जान दे दूंगी, और उसे नहीं कुछ होने दूंगी। और अगर तुझे इतना डर लगता है तो मैं सारा इल्जाम अपने सर पे ले लेती हूँ। जा, चला जा मुझे छोड़ के, जा ना। नासिमो, चली होगी, और मेरा हर किसी ये मतलब नहीं था, और मैं तो तेरे लिए कह रहा था, कठे जिएंगे। और अब भागा हूं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे, तेरे साथ ही रहूंगा। बैठ बैठ बैठ। क्या खबर है? फिलहाल खबर तो कोई चंगी नहीं है। मलक के बंदे पिंड पहुंच चुके हैं, और पिंड में ये खबर भी फैल गई है कि इस मामले में मेरा भी हाथ है। मैं तो सिर्फ एक कोई गलत सोच रहा, अगर गल पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने छापा मारा तो फिर गल हमारे हाथ से निकल जाएगी। मैं तो कहता हूं सीमो को वापस भेज देते हैं। और ये बात तूने पहले सोचनी थी, अब वापसी का ना सोच। वापस जाओगे तो जान से जाएगा। अब क्या करें? तू हौसला तो कर यार। मेरा ख्याल है मैं और ये दरगाह वाली साइड पे निकल जाते हैं। दिमाग खराब है तेरा, दरगाह पे 24 घंटे का रश होता है, किसी ने देख लिया ना तो वहीं पे बट के सुट देंगे तुझे, और उसको भी। तो फिर एक काम करते हैं, सीमो यहीं पे रहती है और मैं शहर जाके कोई बंदोबस्त करता हूं। ये यही ठीक रहेगा, क्या ख्याल है तेरा? मेरा ख्याल है फिलहाल यही रास्ता ठीक रहेगा। और घबराना, और यार है अपना, भराओं की तरह है मेरे। तुझे कोई मसला नहीं होगा, समझ, अपने घर में बैठी है, कोई टेंशन नहीं होगी तुझे। मैं बस यूं गया और यूं आया। चल यार मलक, मुझे बाहर लगा दे जरा। शहर चलाऊं को बंदोबस्त करने के लिए, तब तक मेरी इमानत का ख्याल रखिएगा। फिक्र ना कर, मलक हैदर का वादा है, अपने यार की इमानत की खातिर
जान भी कुर्बान करनी पड़ी ना तो अपने यार की खातिर कर दूंगा। ओ खैर मलका, ओ खैर, बस मैं यूं गया और यूं आया। दिल ढूंढता है